बिटकॉइन हालविंग क्यों आती है, ये क्या होता है, इसकी कब मार्केट के अंदर रुझान पैदा होगी, तो आए हम लोग इसके बारे में बात करते हैं शॉर्ट फॉर्म में। मैं आप लोगों को बताऊंगा आसान अल्फाजों में ताकि हर बंदे को समझ आए। देखो भाई, बिटकॉइन हालविंग का मतलब ये होता है कि बिटकॉइन की चेन को जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं यानी कि माइनर्स। अब देखो, माइनर जो है टपाटप बिटकॉइन को माइन कर रहे हैं, वहाँ से जो ब्लॉक की जो ट्रांजेक्शन होती है वो एज अ रिवॉर्ड जाती है माइनर्स को जो बिटकॉइन को माइन कर रहे हो। अब बिटकॉइन की ब्लॉक के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सब्सिडरी ब्लॉक्स और एक दूसरा होता है अपना ट्रांजेक्शन होता है। जो ट्रांजेक्शन है मतलब जो जो भी बिटकॉइन को ब्लॉक को माइन कर रहा है उसकी जो ट्रांजेक्शन फ़ी होगी वो आधी जाएगी माइनर्स के पास और आधी बिटकॉइन के ब्लॉक के अंदर रहेगी। दूसरी बात, दूसरे आते हैं सब्सिडरी ब्लॉक्स। अब अभी जो करंट जो रेट है ना बिटकॉइन का वो चल रहा है 6.5%, मतलब कि हालविंग के एक्सपेक्टेशन से अगर देखा जाए तो वो 6.4 या 6.5% चल रहा है। अब उस पर कट लगने वाला है यानी कि 16 दिन बाद यानी 4 साल बाद हालविंग आती है, और हर 4 साल के बाद बिटकॉइन की प्राइस काफ़ी अच्छा पम्प करती है। ये कैसे पम्प करती है ये भी बताता हूँ। अब 6.5% जो है उसका सब्सिडी ब्लॉक्स का रेट चल रहा है, तो कट लगने वाला है 16 दिन बाद जो कि 3.2% हो जाएगा यानी कि उसका हाफ। अब वहाँ पे जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, लाइक अगर मैं कहूँ तो ये ट्रेडर्स कह लो आप लोग, तो वो लोग जो है एडजस्ट करते हैं पोजीशन बिटकॉइन के अंदर, मतलब हर 4 साल बाद, हर 2024, अब 2024 16 दिनों बाद बंदी यानी कि 20 अप्रैल, तो अब ये 2028 में जाके ये हालविंग का रुझान हमारे को पैदा होगा। मगर इससे पहले बिटकॉइन की प्राइस 2 साल तक हमारे को लगातार पंप होती हुई नज़र आ सकती है। और ज़्यादातर लोग जो हैं हालविंग के अंदर बिटकॉइन की माइनिंग करते हैं। आप लोग फ़ोन से भी ये माइनिंग कर सकते हो, वो मैं किसी और की वीडियो में डिस्कस करूँगा। अब ज़्यादातर लोग जो माइनर्स या माइनिंग फर्म जो हैं, जो माइनिंग कंपनीज़ हैं, वो लोग ज़्यादातर बिटकॉइन को जब माइन करती हैं, देखो अगर बिटकॉइन की बेयर मार्केट आई हुई 20,000, लेट सपोज़ बिटकॉइन चल रहा है $20,000 पे, तो वो एक दिन में जो है बेयर मार्केट में $1 बना रहे हैं माइनिंग करके, सिर्फ $1। हाँ, और बुल मार्केट के अंदर वो लोग एक दिन में बना रहे हैं $3, तो कहाँ $1 कहाँ $3। तो जब भी पम्प की मार्केट आती है, पुल मार्केट आती है, तो उसमें माइनिंग का रुझान ज़्यादा पैदा होता है। तो जब माइनिंग ज़्यादा इंक्रीज़ होगी तो हैश रेट में इजाफा हमारे को देखने को मिलेगा। जैसे कि बहुत से लोग सतोशी में माइनिंग कर रहे हैं, उसके अंदर होता है हैश रेट, तो वो हैश रेट जो है मेन होता है। जितना ज़्यादा हैश रेट बढ़ता रहेगा उस हिसाब से जो है बिटकॉइन का जो ब्लॉक है वो जल्दी जल्दी माइन होता रहेगा। अब आगे हम लोग बात करते हैं, टेथर वालों ने जो है 618 मिलियन डॉलर तक के बिटकॉइन होल्डर एज अ रिजर्व अपने पास रखें, मतलब कि टेथर भी अब टॉप 7 में आ चुका है जिन्होंने 75,000 अपने रिजर्व में बिटकॉइन सेव करके रखा है, जिसमें अगर डॉलर में देखें तो 5.2 बिलियन डॉलर में उसकी वर्थ बनती है। देखो बिटकॉइन की जो बैकबोन है वो टेथर है USDT, बल्कि सबकी बैकबोन टेथर है भाई। जितनी भी एल्टकॉइन जो फिर रहे हैं आज $1, $2, अगर टेथर है तो ही एक तरह से बिटकॉइन भी पंप कर रहा है और सारे एल्ट कॉइन्स हैं, तो टेथर में हमारे को फट देखने को मिलता रहता है। तो ये फट जो है टेथर में इतना ये ज़रूरी नहीं है कि USDC जो है डीपैच हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारा सिर्फ हमारे को फट ही देखने को मिलता है ट्विटर के अंदर। अगर आप लोग ये वीडियो यूट्यूब पर दे रहे हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर दे रहे हो तो मेरा चैनल लाजमी फॉलो कर लेना।